Yeah, this is Patty Zone. You know what I'm saying? NBT, no bad trip. आज फिर से नए व्लॉग के साथ. तुमने थंबनेल देखा रहेगा, जो मेरा पहला व्लॉग देखा था उसके जैसे ही सेम ये जीन्स पे मैं अभी इवोसो का एक डिज़ाइन निकालने वाला हूँ, बैक पॉकेट के ऊपर उसका लोगो. तो उसके रिलेटेड मैंने व्लॉग बनाने का सोचा कि दिखाते कैसे क्या करते. और ये टी शर्ट पे भी मैंने आइसक्रीम रनिंग डॉग बीबीसी ब्रांड का एक मैंने लोगो था एक टी शर्ट. तो ये मैंने मेरे लिवाइज की टी शर्ट पे मैंने प्रिंट किया था. ये भी हाफ है और यहाँ पे काक आएगा, यहाँ पे एक दो तीन डिज़ाइन आएगा, लेकिन मैंने हाफ किया था ऐसे खुद पहने के लिए. इसका वीडियो नहीं बनाया मैंने. और मेरे पास और एक कैमोफ्लैश पूरा एक ट्रैक कार्गो पैंट है जिसके ऊपर मैंने थोड़ा पेंट का कुछ वर्क किया था. उसका भी मैंने वीडियो बनाया नहीं, लेकिन हाँ सोच रहा हूँ कि आज इविसु पैटर्न का डिज़ाइन इविसु ब्रांड का डिज़ाइन थोड़ा पॉकेट पे बना के ब्लॉग बना दूँ. और ऑलरेडी मेरे वो वाले पहले वीडियो पे बहुत सारा लाइक वगैरह, बहुत कमेंट, बहुत अच्छा खासा मतलब सपोर्ट और रीच मिला है. तो मैंने सोचा और एक बार मैं सेकेंड पार्ट बनाता हूँ, सेकेंड डिज़ाइन. तो लेट्स गो मैन. या तो मैं जीन्स दिखाता हूँ. जीन्स कौन से जीन्स पे मैं बनाने वाला हूँ? ये मैंने जोड़ियों से जीन्स लिया था, तो अभी मुझे पता नहीं कितने में, लेकिन हाँ इसका जो बैक पॉकेट है इसके ऊपर ऐसा डिज़ाइन आएगा. वो डिज़ाइन में अभी यहाँ पे कुछ आएगा डिज़ाइन, तो चेक कर लेना कौन सा डिज़ाइन की बात कर रहा हूँ. तो ऐसा कुछ है तो बैक पॉकेट पे एकदम मस्त दिखेगा. रुको मैं डिज़ाइन यहीं पे दिखाता हूँ. मैंने ऑलरेडी जीन्स ओके, तो ये डिज़ाइन की बात कर रहा हूँ. ऐसे मस्त दिखेगा ये. अच्छा अभी मेरे जीन्स के हिसाब से येल्लो कलर में सोच रहा हूँ ऐसा करने का. तो यस, तो वो डिज़ाइन हम लोग बनाने वाले. इसके ऊपर फर्स्ट करना है ड्राइंग, उसका डिज़ाइनिंग प्रॉपर करना है. तो जैसे डिज़ाइन प्रॉपर रहेगा तो उसके ऊपर हम लोग प्रॉपर पेंट भी कर पाएंगे, नहीं तो डायरेक्ट पेंट करने जाएंगे तो वहाँ पे मिस्टेक होने के बाद फिर उसको रिवर्क करना पड़ेगा, फिर उसमें बहुत बड़ा ब्लॉक बन जाएगा. तो यहाँ पे पहले हमें करना है ड्राइंग स्टार्ट करना है. तो मैं एक साइड का पूरा बनाऊँगा, उसका ब्लॉक बनाऊँगा, बाकी दूसरा मैं पूरा ब्लॉग खत्म होने के बाद दूसरा साइड का भी दिखा दूंगा. तब तक पूरा पेंट कंप्लीट वर्क हो जाएगा तो पूरा तुम एग्जैक्ट देख सकते हो कैसा हुआ कैसा नहीं. मैंने पेंसिल तो मिल रहा नहीं था मुझे, तो मैंने पेन ने डिजाइन पूरा बना दिया है. बी डिज़ाइन के ऊपर हम लोग डायरेक्टली वाइट पेंट कर देंगे, और वाइट पेंट होने के बाद येल्लो वाला आप लोग लेयर करेंगे. ओके okay? तो अभी मैंने पूरा एक प्लेन वाइट सरफेस किया. अभी इसके ऊपर इन साइड में थोड़ा थोड़ा मेरा पेंट का लाइन दिख रहा है, तो इसको मैं अभी ये वाले क्या बोलते हैं ब्रश से पूरा इसको लाइन अप कर दूंगा. तो ये भी जो मेरा पेंट का इंक दिख रहा है वो भी दिखेगा नहीं. अभी हम लोग ने पूरा कंप्लीट कर दिया. इसमें थोड़ा मैंने थोड़ा भी इसमें थोड़ा भी जगह नहीं, मतलब ऐसा थोड़ा भी लग रहा नहीं है कि कोई पेन का इंक दिख रहा है, ऐसा कुछ बचा नहीं अभी इसमें. तो अभी इसको मैं सूखने दूंगा क्योंकि मेरे पास अभी ड्रायर नहीं है, तो मैं अभी फैन लगा के सुखाऊंगा इसको और नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करते हैं. तब तक मैं खाना का क्या आता हूँ. लेट्स गो मैन. खाना हो चुका है और ये सूख भी चुका है अभी, तो इसके ऊपर डायरेक्टली अभी येल्लो कलर स्टार्ट करेंगे. तो मैं वीडियो निकालते समय मैं लेयर बताऊंगा कितना लेयर मैंने मारा है, तो आपको पता चल जाएगा. एक साइड होने के बाद दूसरा साइड भी करना है, तो दूसरा साइड होने के बाद मैं एंड में बताऊंगा रिजल्ट कि कैसा कलर हो चुका है. सो प्लीज स्टार्ट. मुझे लगता नहीं अपने इंडिया में किसी ने, मैं जो अभी ये कर रहा हूँ किसी ने किया होगा ऐसा इवोसो का. बाहर गाँव में बहुत लोग करते हैं DIY, उनके ओल्ड पैंट्स को कलर करते, बट मुझे नहीं लगता कि अपने यहाँ पे किसी ने किया रहेगा जो मैं कर रहा हूँ. सो आई एम दी वन. किसी ने किया भी होगा शायद से, बट जितना मुझे पता है YouTube पे देखा है मैंने कि मैं ही हूँ जिसने इवोसो का
DIY इंस्पायर्ड जीन्स पेंट किया है। सो अभी टाइम लैप्स पे देख लो, इसमें बहुत टाइम लगेगा। फर्स्ट लेयर हो चुका है, मैं इसको ड्राई करने के लिए टाइम दूंगा, फिर इसके बाद शायद से दूसरा एक लेयर करेंगे और ज़रूरत पड़ेगा तो तीसरा लेयर भी करेंगे इसके ऊपर। सो अभी इसको सूखने के लिए टाइम देते थोड़ा। जब तक एक सूख रहा था तब तक मैंने दूसरा भी पेंट कर लिया, तो दोनों रेडी, दोनों को मैं सुखा रहा हूँ। इसका एक 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 बार हो चुका है ये सिंगल, ये मैंने दो बार किया है और इसको भी एक बार, दोनों भी सूखने के बाद ये सेकंड टाइम, और देखता हूँ इसमें और कुछ ज़रूरत रहेगा तो थर्ड टाइम, नहीं तो ऑलमोस्ट डन हो चुका है हमारा जो इवोसो का बैक पॉकेट डिज़ाइन। तो यस सर, तो तुम लोग भी कोई ऐसा डिज़ाइन करना चाहते हो तो तुम लोग भी कर सकते हो, बस ऐसा कुछ सीन नहीं है। वेट करते अभी ये ड्राई हो जाए, दोनों साइड का हो चुका है। अभी मुझे लगता नहीं इसके ऊपर थर्ड लेयर की जरूरत है, इसमें इनफ लग रहा है, दोनों सूख चुका है। अभी दिखाता हूँ मैं आपको, अभी यस डन हो चुका है दोनों पैटर्न। थोड़ा अनइवन है तो चलेगा, कोई बात नहीं, क्योंकि इसका मेन जो लोगों का पैटर्न है इवोसो का वो ऐसा ही रहता है, तो तुम ऐसा जाओ या थोड़ा कर्व लेके ऐसा जाओ या कैसे भी जाओ, क्योंकि वो डजंट मैटर, सब सेम ही लगता है। मेरे को मैं आपको दिखाता हूँ फोटोज, तो जैसे कि अभी ये तीन लोगो है, ये तीन लोगो एक जैसा है ही नहीं सब, ये अलग कर्व है, ये अलग कर्व है और ये तो डिफरेंट ही है, तो लेदर स्टिच के है। तो कहने का मतलब यही है कि तुम लोग कैसे भी करो, करना ज़रूरी है। और ये चीज़ पहन रहे हो आप, ये जब चीज़ पहन रहे हो उसको कैरी करना आना चाहिए, नहीं तो ये फोनी शीट लगेगा। जैसे मैंने बहुत बार बोला है कि कैरी करना आना चाहिए कोई भी चीज़ कैसे भी रहे वो। कल को मैं कुछ एंटिक चीज़ पहनूँ, जींस फटा हुआ भी रहे, वो किसी के वही सेम जींस मैं पहनूंगा तो यू नो आई एम सेइंग आई लुक लाइक हिप हॉप, बट या कोई दूसरा बंदा पहनेगा फोनी शीट छपरी लगेगा। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, ड्रेसिंग स्टाइल पे आपको फोकस करना है, सभी चीज़ें पे फोकस करना है, खुद को जैसे या भी ये पहनूंगा तो ये मैं हूँ, ओके आई मीन इट वाला सीन है ये, ऐसा नहीं कि मैंने बनाया और पहना और मेरे पे सूट होगा, ऐसा नहीं। लेकिन हाँ, इसको मैं अच्छे तरीके से कैरी करूँगा, मुझे पता है ये चीज़ मैं हूँ, ये ब्रांड मैं पहन सकता हूँ, ये मैनिफेस्ट भी कर रहा हूँ, मैं आज ये बना रहा हूँ, कल को जाके मैं ये ब्रांड के जीन्स भी खरीदूंगा, यू नो व्हाट आई एम सेइंग, वी नेवर नो। तो ये था आज का ब्लॉग, तो पैटर्न तो हो चुका है, मैं एक बार पेन के भी दिखाऊंगा कैसे दिखता है ये बैक साइड से। सो वेट, चेक करोगे आप, ये जो मैंने बनाया ये भी खुद ने बनाया, ये भी मस्त दिख रहा है। और रही बात जींस की, जींस भी देख सकते हो से कैसे दिखा दूँ, इसलिए मैंने स्टैंड पे लगाया अभी। तो अभी ये तो मैंने किया पैंट का डीआईवाई सेशन, जिसमें मैंने इवोसो पैटर्न का लोगो बनाया था। इसी तरीके से बहुत सारे मैं वीडियोस बनाने वाला हूँ एंड बहुत सारे मेरे अलग अलग कंटेंट जो मैं हूँ यूट्यूब पे आप जो भी देख रहे हो मेरे वीडियो, दैट्स पैटी एंड दैट्स पैटी जोन। मैं यहाँ पे वॉन अभी शेट नहीं कर रहा हूँ जैसे बहुत सारे लोग कर रहे। सो मेन मोटो है कि जो मैं हूँ मैं वो दिखा रहा हूँ, जो मेरे क्रिएटिविटी है वो मैं दिखा रहा हूँ। एंड आई वॉन्ट योर सपोर्ट, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो एंड शेयर विथ योर गाइज। ओके एंड व्हाट शुड आई से नेक्स्ट।